presenting by SCM Studio. भक्ति त्याग वीरता की इस भूमि को वंदन करते हुए, मातृभूमि मेवाड़ को वंदन करते हुए, सत्संग में विराजमान सभी भक्त महानुभाव, मातृशक्ति, सभी कलाकार बंधु और विज्ञान के तरीके से सभी इन बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे मनोज भैया जब से हम आए देख रहे हैं, बहुत ही अजीब आपका संसाधन है। अभी आप कह रहे थे कि ये पांच पांच छह छह कैमरे लगाए हैं, लेकिन आज का विज्ञान उम्र को लंबी कर सकता है, लेकिन जिंदगी को मस्ती में तो सत्संग ही डुबो सकती है। ताली बजाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, अगर नहीं, अगर दम होगा तो बच जाएगी, ये तो अपने आप ही बच जाएगी। अभी हमारे मनोज भैया ने पहले कहा कि इस कोरोना की महामारी से भगवान सांवरिया सेठ ने या माँ जगदम्बा ने आपको और हमको बचा दिया, और आज हम सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो किसी ने लिखा कि गुलों में रहा लेकिन गुल बदन नहीं मिला, चमन में उम्र गुजारी लेकिन चमन नहीं मिला, वफा की राह में जो भी मिले सबको गनीमत है, लेकिन कई तो ऐसे गए कि जिनको कफन भी नहीं मिला, जिनको कफन भी नहीं। अभी हमारे मनोज भैया कह रहे थे कि ये ऊपर बैठे सब चौकीदार हैं, आपके लिए भी फूल हम भेजते, लेकिन ऐसी बातों से ही स्वागत आपका हो गया, ऐसे कह रहे थे। सही बात है मनोज भैया, सिर्फ गुलाब देने से ही अगर मोहब्बत हो जाती तो, सिर्फ गुलाब देने से ही अगर मोहब्बत हो जाती तो माली पूरे शहर का महबूब बन जाता। और शायद आज श्रीमान ओंकार दास जी वैष्णव, घनश्याम जी वैष्णव, इनका पूरा परिवार जो आयोजन किया, घनश्याम कहाँ है, घनश्याम कहाँ है, खमा खमा धनराज जी जोशी गायब हो गए, हो पर क्या उपरे, लेकिन घनश्याम ये आपके लिए कह रहे हैं, ये व्यवस्था तो आपने कर दी, अच्छी बात है, लेकिन इस व्यवस्था भी एक व्यवस्था और जोरदार है यहां। तू कितनी भी हसीन क्यों न हो ए जिंदगी, तू कितनी भी हसीन क्यों न हो ए जिंदगी, लेकिन खुश मिजाज दोस्तों के बिगर अच्छी नहीं लगती। अगर ये बंदे नहीं होते साहब तो इस पंडाल की खूबसूरती आती कहां से। सही बात है। तो हमारे जयकारा के लिए मनोज भैया ने भी कई कहा, कई कलाकार बंधुओं ने पहले भजन गाया, उन्होंने भी कहा, लेकिन फिर भी कंजूसा ही तो है यार। इस दुनिया में कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, पतंगे को चराग सी लगती है जिंदगी। कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, पतंगे को चराग सी लगती है जिंदगी। चीटी को चहक सी, पपैये को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। चकोर को ससी सी और पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी, फंसी हुई लगती है जिंदगी। अरे टेंशन तो हमें भी बहुत है, लेकिन मुस्कुराने में क्या जाता है। और भागवत में लिखा, प्रसन्न चित्ते परमात्मनम दर्शनम। अगर जो आदमी प्रसन्न मुद्रा में है, समझो साक्षात वो विष्णु का रूप है। बाकी टेंशन तो अगर
दांत काट नहीं बे तो सत्संग में काटी सका न के मनक जमारा में काटी सका, बाकी और योनि में कोई दांत नहीं काटी सके के काटी सके कंडे भैंसा कंडे मुर्रा अपन दांत काटेगी भैंसा। अगर मनुष्य जन्म दिया है परेशानियां तो होगी, लेकिन सत्संग में अगर आनंद नहीं आया। एक भाई साहब मैंने कह रहे थे अभी हमारे पास में बैठे, वो आप समझी जाए जो कन्नाण बेकीरा मजो तो अब आयो, पर आप ध्यान देना इस दुनिया में जिसको भी मजा आया तो बदले में सजा मिली, जिसको भी मौका मिला तो बदले में धोखा हुआ है। सत्संग में तो आनंद आता है क्योंकि आनंद का कभी विलोम शब्द होता ही नहीं, आनंद के आगे परमानंद होता है। सही बात है। और ध्यान देना आप भली ताली बजाओ उनसे बोलो भली मती बोलो, लेकिन महाभारत का प्रमाण है जब तक द्रौपदी ने अपने हाथों को बाहों में साड़ी को पकड़ रखा तब तक गोविंद नहीं आया, और जब दोनों हाथ छोड़ दिए यानी पूर्ण रूप से समर्पित हो गई तो मेरा गोविंद आ गया। और आप और हम भी भगवान के सच्चे समर्पित होंगे तब वो ईश्वर समझे। और जब इतनी देर आप आनंद ले रहे हैं इसका मतलब है कि आप में सत्संग का कुछ न कुछ रस भरा है, तभी तो यहां भी राजे हैं। अच्छा कंडी दर्पण थोड़ी बड़े एक जगह क्या लिखा पूरा वजन मैंने एक ही नहीं आवे एक एक आदि लेन होने दिया अपन गई हमारे मार्चाप सुनाएंगे आपको। हेलो, लेकिन मैं तो आपको देख करके बोल रहा हूँ। हेलो, हमारे मनोज भैया अभी हमारे लिए कह रहे थे आप कह रहे थे हरिओम, लेकिन विश्वास रखना ये कह रहे जिसमें से एक भी बात हमारे अंदर नहीं है, ये तो ये विद्वान है तारीफ कर देते हैं। हेलो हेलो मनोज भैया, तारीफ की फितरत तो नाकाम लोगों में होती है, तारीफ की फितरत तो नाकाम लोगों में होती है, अच्छे लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। तो गुरुदेव किसी शायर ने कहा है दुश्मनी की तो क्या पूछिए, वाह वाह, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, जिंदगी का भरोसा नहीं। भरोसे से चलती है जिंदगी, वरना कौन कहता है कि कल फिर मिलेंगे। हाय 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 वाह। और जिंदगी की कह रहे हैं जिंदगी में जिंदगी के राज को जानना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी नहीं हो तो जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और होटल का शुभारंभ करने से पहले सत्संग का आयोजन किया, ये बहुत अजीब बात है। भगवान का भजन पहले करा रहे हैं तो क्या लिखा कि दम हमने लगाया तो हमें दूर की सूजी, दम भिखारी ने लगाया तो उसे तंदूर की सूजी, दम मौला ने लगाया तो उसे हूर की सूजी,
दम मदारी ने लगाया उसे लंगूर की सूजी, कहते सत्तार सच्चा दम तो उसने लगाया कि जिसको अपने नूर की सूजी, जिसको अपने नूर की सूजी। इसलिए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो नखारा है इश्क, नखारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रखा है, ओ दिया जल रखा है और हवा चल रही है। धरती जहां कभी मीरा भी नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची है। आप और हम भी भगवान का भजन करें आनंद के। जिंदगी की राहों में आशा और निराशा है, मिलकर के बिछुड़ जाना दोस्त, यही तो जीवन की परिभाषा है। क्या गारंटी। और ज्यादा ध्यान देना, इस दुनिया में जिसकी कोई गारंटी नहीं वो क्या है, उसका नाम है जिंदगी। जिसकी कोई गारंटी नहीं और जिसकी 100% गारंटी है उसका नाम है मौत। सही है ना। इस धरती पर मौत और ईश्वर ही सत्य हैं। रिमेंबर ऑलवेज गॉड एंड डेथ, इंटरनल एलिमेंट। परमात्मा और मौत ही सत्य है। हम और आप एक दिन इस दुनिया से जाना है। सही बात है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिने अभी तक पता नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिने अभी ये पता नहीं। कोई अभी तक इनको मिला नहीं। आप दूजारी का बात करो, घरे भी प्यार नहीं तो ओटे का मिले। आप तो घणो प्यार कर देख लो। अरे प्यार करी ले, प्यार करी ले, दुनिया में कोई तारो यार नहीं, बस गोती ले भीतर है कहीं बाहर नहीं। सही है ना। चले जो आती आती आशिया तो मत डरने सिर्फ तुमसे।
से छूटने के बाद में फिर वो लापता है। क्या कर अभी रेस चाहे जिंदगी की हो, रेस चाहे गाड़ी की हो, ध्यान देना, रेस चाहे जिंदगी की हो या रेस गाड़ी की हो, जीतता वही है जो समय पर घेर लगा देता है। हाँ। सही है ना उस्ताद? ये जिंदगी वनडे मैच की तरह है जिसमें रन तो बढ़ते हैं लेकिन ओवर घटते हैं, आदमी की तृष्णा बढ़ती है लेकिन उम्र घटती है। ये जिंदगी वनडे मैच की तरह है जिसमें रन तो बढ़ते हैं लेकिन ओवर घटते हैं, इसलिए समय समय पर पुण्य के चौके और छक्के लगाते रहें ताकि वो ऊपर बैठा हुआ एम्पायर मोक्ष की ट्रॉफी दे दे। छक्के मतलब भगवान की जय बोलते हैं, और क्या छक्के। हमारे मनोज भैया ने कितनी बार कहा जय बोलो, लेकिन फिर भी आप जान ही रहे हो फिर मेवाड़ की धरती से। ये कैमरे वाले बंदे हैं, इस दुनिया में कैमरे वाले भी दो तरह के, एक तो ये कैमरे वाले फोटोग्राफर, एक होता है एक्सरे का फोटोग्राफर। इस कैमरे वाले को पता नहीं कि हृदय की धड़कन क्या चल रही है, और एक्सरे वाले को पता नहीं कि बाहर मेकअप क्या कर रहा है। तो सदगुरु एक्सरे का फोटोग्राफर है, आप और हम सभी इस समय भी सीसी कैमरे की नजर में है। सही बात है ना? तो हम तो इस वैष्णव परिवार को ऐसा आयोजन रखने को पर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी कलाकार बंधुओं को भी धन्यवाद, आप यहाँ पधारे अपना अमूल्य समय देकर के, आपको बहुत बहुत साधुवाद।